उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कस्बा नौगांव सादात में समाज के हित में काम करने वाले समाज सेवी ऑल दिव्यांग संगठन के राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र यादव ने अपने जन्मदिन के पर्व पर विकलांग विधवा वृद्ध लोगों को राशन वितरण किया। इसी के साथ सभी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने बताया कि ऑल दिव्यांग विकास संगठन पदाधिकारियों द्वारा कस्बा नौगांव सादात में वृद्ध विकलांग विधवा महिलाओं के लिए आश्रम बनाया गया है, जिसमें 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जिनके बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उन लोगों को खाने से लेकर रहने तक सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। वहीं आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी गरीब लोगों को राशन वितरण किया गया। सभी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जाफर मेहंदी, जिला मोर्चा प्रभारी मोहम्मद कामिल, प्रचार मंत्री सोनू जयचंद गौतम, राष्ट्रीय महासचिव नौशाद मिर्जा, कमर आलम, बाबू लोहार, खलील नफीस आदि लोग मौजूद रहे। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। अजीज फातिमा मेरा नाम है, मैं नौगामा सादात की रहने वाली। अच्छा। जब से ये इन्होंने ये काम किया है धर्मेंद्र साहब ने, और तो हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं, हम इनकी सहायता करेंगे, हम मिलजुल के सब ये काम करेंगे हम, और ये बहुत मदद कर रहे हैं गरीबों की, और हमारी भी बहुत मदद कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हम इनके साथ साथ चलें। इन्होंने आज राशन बांटा है, और एक दो तीन रोज पहले इन्होंने सबको बुला के नाश्ता वगैरह कराया था, और हमारी हिम्मत बढ़ाई थी कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, और तो हम आपके काम आएंगे, आप हमारे काम आना। अच्छा, विकलांग हैं, विधवाएं हैं, विवाहें हैं, यतीम बच्चे हैं, ये सबकी सहायता कर रहे हैं। यादव है, और मैं ऑल इंडिया विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये मामला ये है कि आज इन्होंने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य में गरीबों को, दिव्यांगों को, वृद्धों को अपने पास से खर्च कर हमारे जन्मदिन को एक तोहफा दिया। हमारा संगठन जो है समाज के दबे कुचले लोगों की मदद हेतु जो है, जैसे विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन आदि, जो गरीब लड़कियां हैं जिनकी शादी होती है उनको शादी अनुदान दिलवाना, अपने स्तर से जो बनता है वो भी सहयोग करते हैं। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही